एमटीपी किट लेने के बाद कितने दिन तक ब्लीडिंग होती है, नेक्स्ट पीरियड कब आता है, ब्लीडिंग थोड़ी होती है, ज़्यादा होती है, कितनी नॉर्मल होती है, ये क्वेश्चंस महिलाओं के बहुत कॉमनली रहते हैं। महिलाएं काफ़ी कंफ्यूज रहती हैं, ब्लीडिंग 2 दिन होगी, 4 दिन होगी, मेरी उस सहेली को तो सिर्फ 4 दिन हुई थी, मुझे 10 दिन चल रही है, तो ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो आइए आज इस कन्फ्यूजन को यहाँ पर हम दूर करते हैं। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। तो देखिए, एमटीपी किट या अनवांटेड किट जो कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करने के लिए, इसमें लेने के बाद जो ब्लीडिंग है वह कितने दिन तक होती है। एमटीपी किट, पहली बात तो एक बात जो इम्पॉर्टेंट बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, एमटीपी किट कभी भी आप अपने आप से डायरेक्ट केमिस्ट से जाके या कहीं से भी प्रोक्योर करके उसका प्रयोग ना करें। एमटीपी किट का प्रयोग या अनवांटेड किट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अपने गायनेकोलॉजिस्ट की निगरानी में, गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में रजिस्टर्ड सेंटर पर ही लें, वह बेहद इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो अब हम आते हैं कि एमटीपी किट लेने के बाद ब्लीडिंग कितने टाइम तक होती है। देखिए, एमटीपी किट में एक होती है मिफेप्रिस्टोन और 4 टैबलेट्स होती हैं मिसोप्रोस्ट की। तो जो मिफेप्रिस्टोन टैबलेट जब दी जाती है, सबसे फर्स्ट ये यूजुअली मिफेप्रिस्टोन टैबलेट आपको दी जाती है। मिफेप्रिस्टोन टैबलेट लेने के बाद यूजुअली ब्लीडिंग नहीं होती है, वह प्रोजेस्टेरोन के अगेंस्ट काम करती है और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन को स्टॉप कर देती है, लेकिन उसके बाद यूजुअली ब्लीडिंग नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी महिला को स्पॉटिंग होती है और इससे अधिक ब्लीडिंग नहीं होती है। लेकिन उसके अगले दिन जो मिसोप्रोस्ट का कोर्स दिया जाता है, जैसे कि इसमें 4 टैबलेट्स मिसोप्रोस्ट की होती हैं, अलग अलग डॉक्टर्स का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, कुछ लोग 4 टैबलेट्स एक साथ वेजाइना में इंसर्ट करते हैं, कुछ डॉक्टर्स उसे 2 सुबह और 2 शाम को खाने के लिए देते हैं, कुछ डॉक्टर्स उसे आपके दांत और चीक के बीच में रखने के लिए बोलते हैं। तो ये जो बेसिकली अगले दिन जो आपकी मिसोप्रोस्ट की 4 गोलियाँ जाती हैं 2 सुबह 2 शाम को या फिर एक साथ 4 वेजाइनली, उसके यूजुअली बाद में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, यानी कि सेकेंड डे बाय इवनिंग यूजुअली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये जो ब्लीडिंग होती है वे यूजुअली इनिशियल 1-2 दिन थोड़ी हैवी होती है, इसमें क्लॉट्स भी निकल सकते हैं, क्योंकि इन दवाइयों से आपकी जो बच्चेदानी होती है, जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, उसके कॉन्ट्रैक्शंस स्टिमुलेट होते हैं, जिसके कारण की जो अंदर प्रेगनेंसी होती है वह बच्चेदानी से सेपरेट होती है और कॉन्ट्रैक्शंस स्टिमुलेट होते हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। यह ब्लीडिंग यूजुअली आपके पीरियड से थोड़ी हेवी होती है, इसमें क्लॉट्स भी यूजुअली निकलते हैं। जब किसी किसी महिला पे इस दवाई का एकदम स्ट्रांग इफेक्ट आता है, यानी कि एकदम ये काम कर जाती है और एकदम तेज़ ब्लीडिंग 4-6 घंटे के लिए होती है, तो जब जितनी एकदम ये स्ट्रांग काम करती है और एकदम निकल जाती है तो ब्लीडिंग उतनी ही जल्दी रुक भी जाती है, यानी कि जो मिसोप्रोस्ट की आपकी डोज ख़त्म हुई उसके 6-8 घंटे में ब्लीडिंग रुक भी जाए, ऐसा हो सकता है अगर आपको एक साथ हैवी ब्लीडिंग हो गई है। तो घबराइए नहीं अगर ऐसा हो गया है। तो कभी कभी क्या होता है कि एकदम स्ट्रांग ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट होती, धीरे धीरे ब्लीडिंग होती है, तो क्योंकि अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, बहुत स्ट्रांग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं स्टिमुलेट हुए, वीक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है, तो ब्लीडिंग एक साथ ज़्यादा ना होकर थोड़ी थोड़ी होती रहती है। तो ऐसी कंडीशंस में यूजुअली ब्लीडिंग है वो 4-6 दिन भी चल सकती है। कभी कभी यह ब्लीडिंग 2 हफ्ते तक भी चालू रहती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी। उसमें क्या होता है, जब यूजुअली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं होते हैं तो ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी होती है और ज़्यादा लंबे समय के लिए रहती है। लेकिन इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वह यह होती है कि हमें यह देखना ज़रूरी होता है कि ब्लीडिंग होने के बाद जो बच्चेदानी है वह क्लियर हो गई है या नहीं हो गई है, वह जानना बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपकी ब्लीडिंग लंबी चल रही है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि कहीं कुछ अंदर रह तो नहीं गया है। वह हम कैसे जानते हैं, वह हम रिपीट सोनोग्राफी करके देखते हैं। जब भी एमटीपी किट दी जाती है, गायनेकोलॉजिस्ट यूजुअली उससे पहले भी एक सोनोग्राफी कराते हैं और उसके बाद भी एक सोनोग्राफी रिपीट करते हैं। पहले सोनोग्राफी इसलिए की जाती है ये देखने के लिए कि प्रेगनेंसी एग्जैक्टली कितने वीक्स की है, कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है, और वह प्रेगनेंसी यूट्रस में ही है, ट्यूब या ओवरी में तो नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये देखने के लिए की जाती है। और जो दूसरी सोनोग्राफी होती है, जो यूजुअली 10 से 14 दिन के बाद की जाती है आपको एमटीपी किट या अनवांटेड किट देने के बाद में,
वह यह देखने के लिए की जाती है कि जो बच्चेदानी है, जो यूट्रस है, गर्भाशय है, वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है या नहीं हो गया है। अगर पूरी तरह से वह क्लियर हो गया है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हो सकता है डोज रिपीट करने की ज़रूरत या फिर DNC की ज़रूरत आ सकती है। अगर थोड़ा बहुत पार्ट रह जाता है तो यूजुअली डोज रिपीट की जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा हिस्सा पीछे बचा हुआ होता है तो DNC करने की या सक्शन इवैक्यूएशन करने की ज़रूरत आती है। तो ब्लीडिंग नॉर्मली 2-4 दिन, 6-8 दिन भी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे 2 हफ्ते तक नॉर्मल मानते हैं, उससे आगे की ब्लीडिंग को हम नॉर्मल नहीं मानते हैं। और हमें डेफिनेटली उसे इवैल्यूएट करने की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि ब्लीडिंग क्यों चल रही है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, अगर आप उनसे पूछें, मेजोरिटी केसेस के अंदर ये ब्लीडिंग 4-5 दिन के अंदर रुक जाती है। 90% केसेस के अंदर ये ब्लीडिंग 4-5 दिन के अंदर रुक जाती है। कुछ 1% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि 2-1-2 दिन में ही रुक जाती है, बट 90% में मैं बोलूँगी कि 4-5 दिन में ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन ब्लीडिंग अगर चले जा रही है तो हमें यह जानना जरूरी है कि यह RPOCs के लिए, यानी कि रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी कि कुछ अंदर रह गया है उसके कारण हो रही है, या इन दवाइयों के कारण जो आपके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है उसके कारण हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये RPOCs के कारण हो रही है तो डेफिनेटली उसे क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन का भी रिस्क रहता है, तो हम एंटीबायोटिक भी स्टार्ट करते हैं और डोज रिपीट करने की ज़रूरत होती है या फिर सक्शन इवैक्यूएशन करने की ज़रूरत होती है, यानी कि बच्चेदानी को क्लीन करने की ज़रूरत होती है। परंतु अगर यह ब्लीडिंग हार्मोनल इंबैलेंस के कारण हो रही है, जो कि इन दवाइयों के कारण हो सकता है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम ब्लीडिंग को रोकने की दवाई देते हैं। हम कुछ हीमोस्टैटिक ड्रग्स देते हैं जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर उससे भी नहीं रुकती है तो हम हार्मोन की दवाइयां दे देते हैं जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो महिलाओं का बहुत कॉमनली होता है, मैडम अब नेक्स्ट बार पीरियड कब आएगा, अब अगला पीरियड कब आएगा? तो अगला पीरियड जो होता है वह ये जो टर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होने के बाद 4-6 हफ्ते लग सकते हैं उस अगले पीरियड आने में। वह अगला पीरियड थोड़ा इरेगुलर हो सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है, उसकी आप चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो ये दवाइयाँ एक स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं जिसके कारण हार्मोन्स थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए अगला 1-2 पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, 4-6 हफ्ते लग सकते हैं अगला पीरियड आने में, वह एक नॉर्मल बात है, उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए। लेकिन आप वेरी नेक्स्ट साइकिल में भी कंसीव कर सकती हैं, तो कॉन्ट्रासेप्शन मेंटेन करना एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने प्रेगनेंसी अभी टर्मिनेट हुई है तो वापस से बच्चा नहीं ठहर सकता। जी नहीं, वापस से भी बच्चा ठहर सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो अगला साइकिल इरेगुलर ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपकी फर्टिलिटी वापस अगले ही साइकिल में आ जाती है। तो ब्लीडिंग हार्मोनल इंबैलेंस के कारण हो सकती है और RPOCs के कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसको ठीक करने का तरीका भी मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वह क्लियर हो गए होंगे। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।